उत्तर प्रदेश में कोरोना के हालात को देखते हुए सीएम योगी ने रविवार को टीम 11 की अहम बैठक की। सीएम ने इस बैठक में सभी अस्पतालों में कोविड के बेड बढ़ाने, ऑक्सीजन बैकअप में इजाफा करने और 10 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाने को लेकर कई अहम फैसले लिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि प्रदेश में डीआरडीओ की मदद से 10 नए ऑक्सीजन प्लांट बनाए जाएं। इसके अलावा यह भी निर्देश दिया कि आरटीपीसीआर टेस्ट की संख्या को बढ़ाया जाए, जैसे कि कोरोना मामलों को और जल्दी ट्रेस किया जाए। सीएम ने यह भी कहा कि प्रदेश में कोरोना प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाए और जो कर्फ्यू लगाया गया है उसका अनुपालन भी सुनिश्चित किया जा सके। कोरोना कर्फ्यू के बीच राजधानी लखनऊ की तमाम सड़कों पर सन्नाटा नजर आ रहा है। रमजान के महीने के बीच लखनऊ की तमाम मस्जिदों में कोई भी नमाज अदा करने के लिए नहीं पहुंच रहा है, वहीं राजधानी के तमाम मंदिर भी बंद हैं। दूसरी ओर कोरोना कर्फ्यू के बीच लखनऊ के तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिससे कि आम लोगों को घर से बाहर निकलने से रोका जा सके। लखनऊ में जनता ने भी व्यापक स्तर पर कर्फ्यू का समर्थन किया है और सड़कों पर लोगों की भीड़ नहीं नजर आ रही। यूपी की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण की भयावहता के बीच कोविड कमांड सेंटर की तरफ से संवेदनहीनता का मामला सामने आया है। सत्तारूढ़ बीजेपी के नेता और लखनऊ महानगर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष मनोहर सिंह के बेटे ने यह शिकायत की है कि हेल्पलाइन कर्मी ने उनके साथ बदसलूकी की। हेल्पलाइन कर्मी ने उनसे कहा, जाकर मर जाओ। इस बात का ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। संतोष सिंह ने बताया कि 10 अप्रैल को उनके परिवार की कोरोना जांच की गई थी। इसकी रिपोर्ट 12 अप्रैल को आई और परिवार संक्रमित पाया गया। सभी लोग फिलहाल घर में आइसोलेट हैं। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में संतोष ने बातचीत में हेल्पलाइन कर्मी की तरफ से जाकर मर जाओ जैसी भाषा का प्रयोग करने का आरोप लगाया है और इस संबंध में जाँच कराने की बात कही। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में एक ही परिवार के तीन भाइयों की मौत हो जाने से हड़कंप मच गया है। तीनों भाई बीते एक सप्ताह से बुखार से पीड़ित थे, उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई और 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने एक एक करके दम तोड़ दिया। पूरे परिवार को आइसोलेट करने के साथ ही इस इलाके को सील कर दिया गया है। वहीं सीएमओ इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या इन सभी की मौत कोरोना से हुई है। डॉक्टरों ने बताया कि भाइयों की उम्र 53 साल, 50 साल और 45 साल है। उन्हें निमोनिया की शिकायत थी और सभी की हालत तेजी से बिगड़ रही थी। लखीमपुर खीरी के सीएमओ मनोज अग्रवाल ने कहा कि शुरुआती जांच कोविड से मौत की तरफ इशारा नहीं कर रही है, लेकिन हमें आगे की रिपोर्ट का इंतजार है। बीते 24 घंटे में जिले में कोरोना से केवल 2 लोगों की मौत होने की पुष्टि हुई। कोरोना वायरस की दूसरी लहर में जहां देश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरे हालात राजधानी लखनऊ के हैं। यहां पर हर दिन कई लोगों की मौत हो रही है। उत्तर प्रदेश में कोरोना 20 से 25 अप्रैल के बीच अपने चरम पर होगा। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन अग्रवाल ने अपनी रिसर्च में दावा किया है कि यूपी में प्रतिदिन 10,000 संक्रमितों के औसत से 20 से 25 अप्रैल तक कोरोना वायरस के संक्रमण अपनी पीक पर होगा। इसके बाद ग्राफ गिरना शुरू हो जाएगा और कोरोना के नए मामलों में कमी आएगी।